हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम गुणनखंड फैक्टर्स क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। अप्पू ने आज सभी गांव वालों को मुफ्त में 12-12 लड्डू बांटने का फैसला किया है। अप्पू ने सभी गांव वालों को अपने लड्डू ले जाने के लिए डिब्बे लाने को कहा है। अगले दिन अप्पू की दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। सबसे पहले बब्बन ने अप्पू को अपना डिब्बा दिया। बब्बन के डिब्बे में एक रेखा में 12 खाने हैं। अप्पू सोच रहा है, बब्बन के डिब्बे में एक रेखा है और इस रेखा में 12 खाने हैं। क्या मैं इन 12 खानों में बराबर बराबर लड्डू बांट पाऊंगा? मैं बब्बन के डिब्बे के हर खाने में एक एक लड्डू रखकर 12 लड्डू को इन 12 खानों में बराबर बराबर बांट सकता हूँ। अप्पू ने बब्बन के डिब्बे में लड्डू भर दिए। अब शेर खान ने अपना डिब्बा अप्पू को दिया। शेर खान के डिब्बे में एक रेखा में 6 खाने हैं। सोचो बच्चों, क्या शेर खान के डिब्बे में अप्पू 12 लड्डू बराबर बराबर रख पाएगा? जी हाँ, अप्पू शेर खान के 6 खानों में हर खाने में 2-2 लड्डू रखकर 12 लड्डू को बराबर बराबर बांट सकता है। बच्चों, अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि बब्बन के डिब्बे में 1×12 12 लड्डू हैं और शेर खान के डिब्बे में 2×6 12 लड्डू ही हैं। दूसरे शब्दों में हम 12 को 1×12 या 2×6 इनमें से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। 1, 12, 2 और 6 ये संख्याएं 12 के गुणनखंड फैक्टर्स हैं। आइए देखें कि लाइन में अगला नंबर किसका है। लाइन में अगला नंबर चंदा का है। चंदा के डिब्बे में एक रेखा है और इस रेखा में 3 खाने हैं। क्या हम चंदा के डिब्बे में भी 12 लड्डू बराबर बराबर बांट सकते हैं? 3×4 = 12। इसलिए चंदा के डिब्बे में भी हम 3 खानों में 4-4 लड्डू रखकर 12 लड्डू को बराबर बराबर बांट सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 और 4 ये संख्याएं 12 के गुणनखंड हैं। अप्पू ने चंदा के डिब्बे में 12 लड्डू भर दिए। बच्चों, क्या 12 के और कोई गुणनखंड हो सकते हैं? क्या हम 12 को और कोई संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। जी नहीं, 12 के और कोई भी गुणनखंड फैक्टर्स नहीं है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये संख्याएं 12 के गुणनखंड फैक्टर्स हैं। अप्पू ने सभी गांव वालों को दिन भर मुफ्त में लड्डू बांटे और गांव वाले बहुत खुश हो गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने गुणनखंड फैक्टर्स क्या हैं इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।